आपके दिए हुए नुस्खे अस्पताल के दिए हुए नुस्खे से ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। अरे वो बेचारे क्या जाने कि हम अपनी जड़ी बूटियों में अस्पताल से चुराई हुई असली दवाइयां मिला देते हैं तो असर तो सही हो नहीं है। यानी कि आपको अपने ही पुड़ियों पर विश्वास नहीं है। दिगंबर, दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। तो बुआ जी शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ मुन्ना, आपकी और बुआ जी की सेवा में। आज हमारा गांव योग दिवस मना रहा है डॉक्टर स्नेहा के नेतृत्व में, जिसका आंखों देखा हाल हम आपको सुनाएंगे यहाँ। हाँ मुन्ना, हो गया देखो। सुनो, उसके पहले हम एक पारंपरिक मुहावरा सुना रहे हैं जो अभी अभी हमने गढ़ा है। बुआ जी, पारंपरिक और अभी अभी गढ़ा है? वाह। हाँ देखो, सेहतमंद वो नहीं जिसे सिर्फ बीमारी नहीं, सेहतमंद वो जो अपने शरीर को दे इज्जत सही। वाह बुआ जी, क्या सही कही। हाँ। अब देखो भली भांति कैसे करते हैं कपाल भाती। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस प्रक्रिया में पूरा ध्यान हमें सांस लेने पर नहीं बल्कि सांस छोड़ने के सही तरीके पर देना है। हाँ, ये देखने में सरल हाँ, और करने में आसान है। इसे रोज करने से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क को लाभ पहुँचता है। बिल्कुल, और कफ और दमा की बीमारी में भी लाभ होता है। जब सही चले सांसों की डोर तो क्यों होगा कोई कमजोर। बिल्कुल, और ये दीदी ने शुरू किया दूसरा आसन। हाँ। इसको बोलते क्या वो गोरक्षासन। हाँ, वही, 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 वही। हाँ। इस आसन से हमारी मांसपेशियों में रक्त संचार भली भांति हो जाता है। रखो तन स्वस्थ तो मन बने स्वस्थ। बिल्कुल सही कहा मुन्ना। अब देखिए अगला आसन, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ का? नाड़ी शोधन योग। सांस लेने का एक तरीका होता है, जो हमारे शरीर की नाड़ियाँ होती हैं, वो हमारे बदन में ऊर्जा फैलाने का काम करती हैं। और ये दीदी ने नाड़ी शोधन आसन शुरू किया। हाँ। वजह पकड़ी है। हाँ, 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 हाँ। सबसे पहले दीदी ने अपने बाएं वाले अंगूठे को अपनी बाएं नासिका के ऊपर रखा और दाई वाली नासिका से सांस को ऊपर खींचा, और फिर ये छोटी उंगली और अनामिका से अपनी दाई वाली नासिका को बंद किया, फिर बाई वाली नासिका से सांस ऊपर खींचा, अंगूठे से बंद किया और दाई वाली नासिका के ऊपर से उंगलियां हटाई और सांस को छोड़ दिया। ये प्रक्रिया रोज करने से हमारे बदन के तनाव और थकान दूर होती है। हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्नेहा ने योगा सीखा है, उसकी ट्रेनिंग ली है। अगर आप भी योगा करना चाहते हैं तो किसी योग गुरु या किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में करें जो योगा भली भांति जानता हो, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। क्यों बुआ जी? हाँ बिल्कुल सच कहा मुन्ना तुमने। हाँ। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सबसे अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर, एनी टाइम एनीवेयर। एक कतार बनाइएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, सबको देखेंगे, सबकी जांच करेंगे, हर एक को दवाई मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये टाइफाइड के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, और मुझे तो डर है कि ये सिर्फ शुरुआत है, इस
इमरजेंसी को संभालने के लिए मानवता के कर्मी कम पड़ेंगे सर। तुम ठीक कहती हो स्नेहा, इसीलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। हाँ जी अंदर आइए। सरपंच जी आइए बैठिए। सरपंच जी आप स्नेहा को तो जानते ही होंगे। क्या बात है डॉक्टर अवस्थी, आज जब आपने फोन किया था तो आपकी आवाज में फिक्र सुनाई दी। सरपंच जी गांव में टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड? आंध्र ज्वर। ये दूषित पानी और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। तो इसका इलाज तो आप डॉक्टर ही करेंगे ना? सरपंच जी सिर्फ इलाज करना काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? इस बीमारी का सामना हमें एक बहुत सार्वजनिक स्तर पर करना होगा। अगर आप इसे महामारी घोषित कर दें तो सरकार की तरफ से बहुत मदद मिल सकती है। ज्यादा दवाइयां और बाहर से डॉक्टर्स भी बुलाए जा सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा, सारा गांव आपकी इज्जत करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, अब जानती हैं आप क्या कह रही हैं? महामारी, ये शब्द सुनते ही सारे गांव में भगदड़ मच जाएगी। पर सरपंच जी अगर हम लोगों ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत सारी जानों को खतरा है। आप यकीनी तौर पर कह सकती हैं कि ये महामारी का ही मामला है? जी अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द ऐसा हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसका हल सिर्फ दवा नहीं, डॉक्टर्स, गांव वालों और व्यवस्था को एकजुट होकर इस गंदगी को हमेशा के लिए मिटाना होगा। डॉक्टर स्नेहा मेरे समझ में नहीं आता आपकी हर बात स्वच्छता पर ही आकर क्यों रुक जाती है। क्योंकि सरपंच जी खुले में शौच जैसी बुरी आदतों और इसी गलत सोच की वजह से ज्यादातर बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरा गांव खतरे में है सरपंच जी। देखिए कोई भी ऐलान करने से पहले हमें गांव वालों को अपनी तरफ करना होगा। एक रास्ता है मेरे पास। वो क्या है सरपंच जी? मैं गांव में एक सभा बुलाऊंगा, वहां हम गांव वालों को बताएंगे कि इस संकट से कैसे लड़ा जाए। लोगों का विश्वास बढ़ेगा जब वो ये देखेंगे कि मानवता अस्पताल की हर कोशिश में व्यवस्था भी उनके साथ है। सरपंच जी ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, गांव वालों को सभा के लिए इकट्ठा करना है। नमस्ते। भागीरथी ने अपने बच्चे को बाबा की पुड़िया दी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। अस्पताल वाले कह रहे थे कि पहले जांच करेंगे। अरे बीमार आदमी को जांच की जरूरत है कि दवा की? अरे ये दरवाजा कब खुलेगा? दरवाजा कब खुलेगा? कब खुलेगा दरवाजा? शांति बना रखो, दरवाजा खुलेगा अभी। बाबा तपस्या कर रहे हैं पूरे गाँव की खातिर, सबको सेवा का मौका मिलेगा, शांति बना रखो। क्या बात है बाबूजी, बाहर तो लोगों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। तड़पने दो और तड़पने दो, जिस फिल्म का हाउसफुल का बोर्ड लगाओ ना वही फिल्म ज्यादा चलती है। अरे पब्लिक भाग भाग के वही फिल्म देखती है। आपके दिए हुए नुस्खे अस्पताल के दिए हुए नुस्खे से भी ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। अरे वो बेचारे क्या जाने कि हम अपनी जड़ी बूटियों में अस्पताल से चुराई हुई असली दवाइयां मिला देते हैं तो असर तो सही हो नहीं है। यानी कि आपको अपने ही पुड़ियों पर विश्वास नहीं है। दिगंबर बैठो यहां, हम तुम्हें एक सबक देते हैं।
बिल्कुल निशुल्क। अगर विश्वास ही रखना है तो उनके अंधविश्वास पे विश्वास रखो, फायदे में रहोगे। हमारे साथ ध्यान में बैठो और प्रार्थना करो कि इस गांव में बीमारियां और फैलती हैं। ध्यान करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे बाबा पहलवान की जय जयकार कर रहे हैं, पूरे गांव में उन्हीं का बोलबाला है। इसकी वजह ये है सर। ये क्या स्नेहा? बाबा की पुड़िया। ये जो घास फूस है ये सब सिर्फ दिखावा है। असल में इसमें जो पाउडर मिला है वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का मिश्रण है। इसे खाते ही मरीज को स्फूर्ति आ जाती है और उसे लगता है कि उसका इलाज हो गया। स्नेहा, ये तो मरीज के लिए खतरनाक है। टाइफाइड में स्टेरॉइड्स लेना जानलेवा हो सकता है। हाँ सर, पर ये बात उन लोगों को कौन समझाएगा? जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल हो गया है गाँव में। अगर तुम्हें नहीं लगता हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? Yes. डॉक्टर स्नेहा आपसे कोई मिलना चाह रहा है, कुछ जरूरी बात करना है पन्ना के बारे में। ठीक है स्नेहा, तुम उससे मिल लो, हम फिर बात करें। जी सर। ओके। समीर आओ बैठो। बोलो समीर। जो मेरे घर वाले पन्ना के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसी बात का तो रोना है समीर। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है से जानते तो सब हैं, लेकिन जो ठीक है उसे करने की हिम्मत किसी में नहीं। मैं करूंगा शादी पन्ना से। वो बेकसूर है। जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूं कि पन्ना जैसी जीवन साथी मुझे इस पूरे गांव में नहीं मिलेगी। इस पूरे गांव में तो क्या, मुझे इस दुनिया में ही नहीं मिलेगी। वो गरीब है तो क्या हुआ, मैं संभालूंगा उसे, प्यार दूंगा उसे। समीर कहीं मेहरबानी को मोहब्बत मत समझ बैठना। आपने शायद मुझे गलत समझ लिया है। मैं ये सब बातें पन्ना के साथ करना चाहता हूँ एक बार। क्या आप मुझे एक बार पन्ना से मिलवा सकती हैं? अभी पन्ना शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर है। एक दो दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। मैं जानता हूं कि आप मुझे पन्ना के बारे में सोचने के लिए एक और मौका दे रही हैं, पर मेरा फैसला अटल है। मैं शादी करूंगा तो पन्ना से ही करूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, पन्ना जैसी लड़की जिस किसी की भी जिंदगी में जाएगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। डॉक्टर स्नेहा जी, हमारी पंचायत समिति की तरफ से, गांव और गांव वालों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों,
डॉक्टर स्नेहा जी आज हमसे कुछ खास बात करने आई हैं, तो इनकी बात ध्यान से सुनिएगा और हाँ कृपा करके शांति बनाए रखें। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारे गांव को ये हो क्या गया है? स्नेहा जी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो किस तरह की सोच है जो गंदगी को ही वातावरण मान लेती है। स्नेहा जी तनिक ये बताइए कि आपसे ये किसने कहा? मेरी आंखों ने, जहां पर देखो वहां मल ही मल है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे गांव को आप लोगों ने एक महाशौचालय मान लिया। बस एक मेरा घर है और उसके बाहर मैं जहां चाहूं वहां शौच कर सकता हूं। ईश्वरी मैम हम लोगों को जो है ना जीना सिखाएंगी। आए आप समझी नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्यों आप लोगों ने गंदगी को ही जीवन का हिस्सा मान लिया है, उसे अपना क्यों लिया है? स्नेहा जी अब सफाई कौन नहीं चाहता, पर जो है सो है, अब हमें उही के साथ रहना है। बिल्कुल सही। ये दुनिया ना हम नहीं बनाए हैं, समझी? दुनिया हमसे बनती है, हम दुनिया से नहीं। मछली समुंदर में भी रहती है और गटर के पानी में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गटर में जो मछली पलती है वो उस गटर को ही अपना घर समझ लेती है। लेकिन हम तो इंसान है ना। ए मैडम तनी का नखरा तो देखो तनी, है? हम पर इल्जाम लगा रही है, तनी का हिम्मत तो देखो तनी, है? जी हाँ, और ये इल्जाम हम में से हर एक के सर पर है। गांव में गंदगी है तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं। इस गांव को गटर हमने ही बनाया है। ए लड़की जबान संभाल के, हैं? ये दो दिन से गांव में कब फिर रही है, खुद को कुलदेवी समझने लगी है, हैं? हमको गटर कह रही है, ये का गांव का खाक भला करेगी? क्या कर रहे हैं आप लोग? शहरी में हम लोगों को जो है ना जीना सिखाएंगी। आए दो दिन से गांव में कब फिर रही है, खुद को कुलदेवी समझने लगी है। आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता हमारा गांव बीमारी से उभर रहा है। आपने ये भी देखा कि कैसे दिगंबर और बाबा पहलवान जैसे लोग इस स्थिति का फायदा उठाने में लगे। एक बात से सावधान रहना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर और ढोंगी में फर्क होता है। डॉक्टर मर्ज को जांच परख कर फिर उसका इलाज तय करता है, जबकि ढोंगी वही अपनी चार पुड़िया बेचने निकल पड़ता है, चाहे मर्ज कोई भी हो।
सच्चाई और ढोंग के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। फैसला आपको करना है कि आपको किसका साथ देना है। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.